नमस्ते, सिंपली कुक में आपका स्वागत है। आज एक और रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिसका नाम है चिकन टिक्का। तो चलिए देख लेते हैं कि मैं चिकन टिक्का किस तरीके से बनाती हूँ। तो हम इसको पहले मैरिनेट करेंगे कुछ मसालों के साथ। यहाँ पर मैंने चिकन को पहले अच्छे से धो लिया है। चिकन को धोने के बाद ये मैंने यहाँ पर बोनलेस चिकन लिया है। अगर आप बोन के साथ चिकन लेते हो तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा नमक थोड़ा सा कम रखिएगा, क्योंकि मसाले में जो टिक्का मसाला है उसमें थोड़ा सा नमक होता है, इसलिए हम नमक जो है थोड़ा कम इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर चिकन टिक्का मसाला ऐड किया है एवरेस्ट का, और मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून नींबू का रस ऐड किया है। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच प्याज के रस को। प्याज को मैंने थोड़ा सा ग्राइंडर में खुदरा करके पीस लिया है। उसके बाद मैंने इसका रस 1 चम्मच रस मैंने इसमें ऐड किया है। उसके बाद मैं यहाँ पर 2 चम्मच दही ऐड करूँगी, करके अच्छे तरीके से मैरिनेट करके मैं इसे पूरे रात के लिए फ्रिज में स्टोर कर लूँगी, जिससे कि मसालों के जो टेस्ट है वो चिकन के अंदर अच्छे तरीके से आ जाए और चिकन जो है अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए, जिससे कि बाद में पकाएंगे जब हम तो चिकन जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद ये स्टिक आप जो देख रहे हो ये मार्केट में बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाता है। इसे हम अच्छे, मैंने इसे पानी में भिगो के रखा था आधे घंटे के लिए, मैंने इसको पानी में सोक करके रखा था। अब आप देख सकते हो इस तरीके से मैं इस स्टिक के अंदर चिकन को बिरो दूंगी। उसके बाद इसे हम तवे में फ्राई कर लेंगे। पहले मैं तवे को थोड़ा सा गर्म करूंगी, थोड़ा सा मीडियम फ्लेम में इसको गर्म करूंगी, जिससे कि तवा जो है वो इक्वली अच्छे तरीके से ये गर्म हो जाए, हीट हो जाए। उसके बाद इसमें मैं कुछ ड्रॉप ऑयल दूंगी, क्योंकि चिकन में मैंने ऑयल नहीं दिया है, इसलिए मैं थोड़े फ्यू ड्रॉप्स जो है वो ऑयल में इस तवे में दूंगी। देखिए फ्लेम को बिल्कुल एकदम लो कर देना है। यहाँ पर मैंने करीबन 1 टीस्पून जो है ऑयल ये ऐड कर दिया है, करके अब इस ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे एकदम लो फ्लेम में। इस चिकन को अब हम लो फ्लेम में ही पकाएंगे। चिकन को हम अब एकदम गैस को लो करने के बाद चिकन जो है जो हमने स्टिक में पहले से भिगो के रखा है उसको हम इसमें ऐड कर देंगे, करके अब इसे फ्राई करने के लिए इसमें थोड़ा सा इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है। इसे आप धीरे धीरे पकने दें, जिससे कि चिकन जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा और ये खाने में बहुत ही बढ़िया लगेगा। इस तरीके से आप इसको पकने दीजिए, चाहे तो आप इसको ढक भी सकते हो, जिससे कि लो फ्लेम में ये स्टीम में पक जाए अच्छे तरीके से। देखिए चारों तरफ से घुमा घुमा के इसको पकाइएगा, बहुत अच्छा पकता है ये तवे में भी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। आप देख रहे हो यहाँ पर करीबन काफ़ी हद तक ये चिकन जो है बिल्कुल पक चुका है। मैंने चारों तरफ से चिकन को अच्छे तरीके से इक्वली मैंने यहाँ इसे पका लिया है और ये बहुत ही सॉफ्ट हुए हैं। तो आज का ये वीडियो बस यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो लेके मैं बहुत जल्द आपसे फिर मिलूँगी। तब तक के लिए नमस्ते।